फाइनली फैंस को जिस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म डंकी का, फाइनली ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। और फिल्म के रिलीज होने के बाद फिल्म को क्या ही शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो अपने पहले ही दिन कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे खास बात, जिस चीज का इंतजार था कि भैया आखिरकार फिल्म कैसी होगी, फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, आज हम आपको बताएंगे, साथ ही जानेंगे डंकी फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि अपने पहले दिन फिल्म डंकी ने इंडिया के अंदर कितनी ओपनिंग ली है, वहीं पूरे वर्ल्ड में फिल्म की कितनी ओपनिंग से शुरुआत हुई है। और साथ ही साथ बात करेंगे कौन से शहर में फिल्म का क्या हाल चल रहा है, कितने शोज है, कितने परसेंट की ऑक्यूपेंसी है। जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक, साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, फिल्म डंकी को आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक्शन में शाहरुख खान की पठान आपने देखी थी, शाहरुख खान की जवान आपने देखी थी, लेकिन यहाँ पे इमोशंस भी है, कॉमेडी भी है, सब कुछ मिलेगा। इतना बड़ा ड्रामा और इतनी बड़ी कॉमेडी शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल जितने भी कैरेक्टर हैं फिल्म में, उन सभी ने वाकई कमाल ही कर दिया। फिल्म को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो भी दर्शक फिल्म को थिएटर से देख कर निकल रहा है, वो फिल्म की तारीफें करते करते नहीं थक रहा है। और इसी चीज का इंतजार था, क्योंकि सामने बड़ा चैलेंज है प्रभास की फिल्म सलार। चलो पहले दिन यानी आज तो फिल्म रिलीज हो रही है, पहले दिन तो अपने ओपनिंग डे पर ये कमाई कर ही लेगी, लेकिन उसके बाद सलार के सामने फिल्म डंकी का क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि अपने ओपनिंग डे पर ये एक बड़ी कमाई करने के बाद अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि फिल्म को हर जगह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अब तो फिल्म के क्रिटिक्स के पॉजिटिव रिव्यू भी आने लगे हैं। अभी और भी बहुत सारे रिव्यू आने बाकी हैं जो आपके सामने आएंगे और आप वाकई खुश हो जाएंगे, क्योंकि जो शाहरुख खान के फैंस हैं वो यही चाहते थे कि ये फिल्म बहुत ही शानदार होनी चाहिए। बताते चलें कि कॉमेडियन सुनील पोल भी शाहरुख की फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचे। 7 सालों के बाद फिल्म बनी है डंकी, जिसका नाम है डंकी। सुनील पोल ने डंकी स्टार शाहरुख की तारीफ करते हुए कहा, मैं उनका फैन हूँ, जितना स्टडी और अभ्यास में अपनी औकात के हिसाब से कर सका मैंने किया। स्टेज पर जब मिमिक्री में मेरी एंट्री हुई, मैं उनकी आवाज निकालता था। जब मैं उनका सर्कस शो देखता तो दुआ करता ये फिल्मों में आ जाए। मैं उनका फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखता हूं। सुनील ने आगे कहा, मैं सभी से ये कहूंगा, बहुत साल के बाद फिल्म आई है डंकी, जिसका नाम है डंकी। एक दर्शक ने कहा, शाहरुख इस साल जनवरी में पठान लेकर आए थे, काफी बायकॉट हुआ, फिर भी शाहरुख ने अकेले फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। फिर साल के बीच में जवान लेकर आए तो उसने भी रिकॉर्ड बनाया और पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब इस साल के आखिर में डंकी लेकर आए हैं, ये जवान और पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। शाहरुख इस साल खूब धमाल मचा चुके हैं, इस फिल्म में डबल धमाका है। इस फिल्म में सबसे बड़ी बात है कि राजकुमार हिरानी की फिल्म है, उनकी सारी फिल्में लोगों के दिलों को छूती हैं। इस फिल्म को जिस तरह प्रमोट किया गया है, विक्की कौशल और तापसी पन्नू की मौजूदगी, यह निश्चित है कि यह फिल्म 1000 करोड़ से ऊपर जाएगी। सिनेमा हॉल आए एक दर्शक ने कहा, पिछले कुछ साल इंडस्ट्री के लिए काफी खराब गए थे, लेकिन पठान ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया, फिर गदर 2, जवान ब्लॉकबस्टर रही, अब रणबीर की फिल्म एनिमल भी धमाल मचा रही है, डंकी भी कमाल करेगी। जो लोग कहते थे कि साउथ ने बॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया है, तो उन लोगों के लिए मिसाल है कि एक आदमी सब कुछ बदल सकता है, और वो है किंग खान। वो बादशाह है, वो रईस है, और वो बाजीगर है। कैसे लगी भैया मूवी आपको? बढ़िया थी, अच्छी मूवी थी। एंटरटेनमेंट है? हाँ, क्या रेटिंग? अगर बात करें फिल्म की, तो ये तो हम सब जानते थे कि ये एक शानदार फिल्म है, क्योंकि इसके डायरेक्टर जो है वो कमाल के है, राजकुमार हिरानी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। इससे पहले राजकुमार हिरानी की बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी जो कि ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, और आज तक राजकुमार हिरानी की कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिटी नहीं है। और ये भी एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, और यही वजह रही कि फिल्म को आउटस्टैंडिंग और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। और आपको बता दें कि फिल्म को प्रोड्यूस किया है वो शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान, ज्योति देशपांडे, और इसके अलावा राजकुमार हिरानी ने किया है। फिल्म में हमें विक्की कौशल, तापसी पन्नू, बोमन ईरानी और शाहरुख खान किरदारों में नजर आ रहे हैं। और वही अगर मैं फिल्म के बजट की बात करूं, तो फिल्म का जो ऑफिशियल बजट है वो 120 करोड़ रुपए से 130 करोड़ रुपए का है। फिल्म के प्रमोशन में भी उतना ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है,
तो आप मान के चलिए कि फिल्म का जो बजट है वो लगभग 150 करोड़ रुपए के आसपास है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं पॉजिटिव बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो देखो कल फिल्म डंकी सोलो रिलीज हुई है, लेकिन आज सलार रिलीज हो रही है, यानी कि आज तो ये फिल्म क्लैश में आ जाएगी। सलार की भी ओपनिंग बहुत शानदार होने वाली है, हालांकि पठान और जवान के जैसी तो नहीं, लेकिन जिस तरह से राजकुमार हिरानी की फिल्म कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, क्योंकि कॉमेडी ड्रामा फिल्में इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं ले पाती है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म इतनी बड़ी ओपनिंग ले रही है, लेकिन शाहरुख खान की फिल्म डंकी ने वाकई इतिहास रचा है। और ये बहुत बड़ी ओपनिंग, यानी कि जो संजू थी राजकुमार हिरानी की, जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी ओपनिंग डे पर, डंकी ने उस फिल्म को भी 50 DH दिया है। तो सबसे पहले शहरों की बात कर लेते हैं, कितने परसेंट ऑक्यूपेंसी है, कितने शोज है। अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूं तो यहां पे 88% की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। ये मैंने पहले ही कहा था आपसे कि जब तक फिल्म रिलीज होगी ये जो ऑक्यूपेंसी है ये काफी हद तक BR हट जाएगी। तो 88% के ऑक्यूपेंसी दिल्ली NCR के अंदर हो चुकी है। फिल्म के पास 1450 शो हो चुके हैं, शोज की कोई कमी नहीं है, और हाउसफुल भी काफी है। 1450 शोज में 150 शोज ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट फुल है, और कम से कम 200 फास्ट फीलिंग है। मुंबई के अंदर 15% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी है। फिल्म के पास 1000 शोज है जिसमें से 120 ऑलमोस्ट फुल है और 150 फास्ट फीलिंग है। सूरत, जयपुर, चंडीगढ़, हर जगह से आउटस्टैंडिंग रिव्यू मिल रहा है। भोपाल, लखनऊ, मधुरई, इसके अलावा अगर मैं साउथ एरिया की भी बात करूं, जहां जहां पे ये हिंदी भाषा में फिल्म रिलीज हो रही है, जैसे कि सालिम, वेल्लोर, त्रिवांदुरम, विजयवाड़ा, वारंगल, गुंटूर, विशाखापट्टनम, निजामाबाद, मैसूर, मतलब यहां पे भी जो ऑक्यूपेंसी है वो कमाल की है। तो आप मान के चलिए जहां जहां भी फिल्म डंकी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है वहां पे भी फिल्म के पास तो शोज है ही, शोज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाउसफुल भी काफी है। और फिल्म डंकी ने अपने फर्स्ट डे के लिए जो एडवांस बुकिंग करी थी वो 18 करोड़ DDH रुपये की थी, यानी कि इतनी ही उम्मीद थी कि इतने एडवांस डंकी कर लेगी, तो वाकई डंकी ने करके दिखाया। तो 18 करोड़ रुपये की फिल्म ने अपने फर्स्ट डे के लिए एडवांस कर ली, जो कि काबिले तारीफ है। तो अब आप मान के चलिए फिल्म डंकी की जो एडवांस बुकिंग है वो कम से कम 36 से 37 करोड़ DDH रुपये इंडिया में कल नेट हुआ है, और मेरा भी जो प्रिडिक्शन था वो यही था कि डंकी कम से कम 40 करोड़ DDH से 45 करोड़ DDH रुपए की ओपनिंग लेगी, यही मेरा प्रिडिक्शन था। और ये बहुत अच्छे नंबर है क्योंकि कल पहला दिन था, फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, तो अब फिल्म रुकने वाली नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या डंकी सालार को मात दे सकती है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।